नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। चलिए फटाफट अंदाज में रुक करते हैं 100 शहर 100 खबर का। पटना में जेडीयू के नए कार्यालय को बनाने पर काम शुरू किया गया। 8 विधायक आवासों को तोड़कर नया ऑफिस बनाया जाएगा। इसके लिए पुराने आवासों को तोड़ने का काम शुरू किया गया। इन भवनों को तोड़ने के बाद जमीन जेडीयू को सौंप दी जाएगी, जिस पर जेडीयू अपने पैसे से कार्यालय का निर्माण कराएगी। केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बिहार सरकार में मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा, 100 दिन के अंदर हर स्तर पर काम हुआ, विपक्ष पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर काम हो रहा है। बिहार में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिश में कांग्रेस जुट गई। पार्टी के आलाधिकारी इसे लेकर लगातार आलाकमान से विचार विमर्श कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार की जा रही है। मुंगेर नगर निगम के उपमेयर सुनील राय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज जिला संग्रहालय में बैठक हुई। नगर निगम की मेयर रूमा राज की अध्यक्षता में बैठक में कुल 32 वार्ड पार्षदों ने वोटिंग की। वहीं 8 वार्ड पार्षद ने इस वोटिंग प्रक्रिया को गलत बताकर इसका बहिष्कार किया। भागलपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे 7 विनय कुमार मिश्रा को भ्रष्टाचार के आरोप में पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने निलंबित कर दिया। भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल होने के बाद हाईकोर्ट की विजिलेंस कमेटी ने वीडियो की जांच की और जांच के बाद एडीजे के निलंबन का प्रस्ताव हाईकोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा। आईसीएमआर ने गर्मी और मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में हर वर्ष बच्चों की जानलेवा बीमारी एईएस के लीची को कारण मानने से इंकार किया। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक ने भी लीची से संबंधित अफवाहों से बचने की सलाह दी। आईसीएमआर के 100 से अधिक डॉक्टरों के शोध में यह निष्कर्ष सामने आया कि मई से जून तक मुजफ्फरपुर में गर्मी राज्य के अन्य हिस्सों से अलग होती रही है। यहां रात में लगातार तापमान अधिक रहता है और इसके साथ ही कुपोषण से प्रतिरोधी क्षमता कम होने से बच्चे हाइपोग्लोमिसिया की चपेट में आते हैं। बगहा में बच्चा चोर के शक में युवक की पिटाई की गई। हिंसक भीड़ ने युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हिंसक भीड़ से युवक को बचाया। दरभंगा में एक बार फिर से ट्रेन में भीषण आग लगी। गनीमत यह रही कि आग लगने के दौरान ट्रेन खाली थी। रेल यार्ड में ट्रेन खड़ी हुई थी, अचानक ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मोकामा के रेफरल अस्पताल में डॉक्टर का एक क्रूर चेहरा सामने आया। डॉक्टर ने महिला लैब टेक्नीशियन के साथ बदसलूकी करते हुए उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद महिला टेक्नीशियन ने मोकामा थाने में लिखित आवेदन दिया। पटना में एक बाइक चालक के पास पूरे कागजात होने के बाद भी उसका चालान काट दिया गया। गाड़ी चालक ने जब इसका विरोध किया तो ट्रैफिक एसआई उसे जबरन घसीटकर पुलिस पिकेट में ले गया। इस दौरान गाड़ी चालक गिड़गिड़ाता रहा लेकिन एक नहीं सुनी। बिहार में पुलिस की कार्यप्रणाली सुधारने में लगे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे देर रात आरा पहुंचे। कई थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नवादा थाने का कार्य देखकर डीजीपी साहब भड़क गए। थाना प्रभारी और मुंशी को सस्पेंड किया गया। बिहार में अपराधियों के करतूत रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस बार सहरसा में बेखौफ बदमाशों ने मुखिया पति की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला सहरसा के बलवा घाट टोपी क्षेत्र का, जहां सरोजा पंचायत के मुखिया पति राजकुमार शर्मा को अपराधियों ने देर शाम गोली मारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 को लेकर जानकारी दी गई। 7 नवंबर को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होने की बात कही गई। 37,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। मुजफ्फरपुर में एक निजी फाइनेंस कंपनी में लूट मामले का वीडियो सामने आया। वीडियो में एक लुटेरा हेलमेट में दिखाई दे रहा है। कंपनी में पहुंचे अपराधियों ने चेस्ट रूम में महिला कर्मी के पिस्टल की नोक से 17 लाख रूपये निकलवाए, लूटकर फरार हो गए। पटना के बख्तियारपुर पुलिस ने शुक्रवार दोपहर कारोबारी को गोली मारकर घायल करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हमले के आरोपियों को बख्तियारपुर, अथमगोला और सालिमपुर से त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़ा। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर स्टेशन पर युवती ट्रेन से फेंका गया गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इस हादसे में प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस की बोगी से फेंका गया गैस से भरा सिलेंडर। घायल यात्री को बख्तियारपुर के पीएचसी में भर्ती कराया गया। बांका जिले के अमरपुर बाजार में पॉलिथीन बैन की बिक्री को लेकर प्रशासन की ओर से दुकानों में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई दुकानदारों को पॉलिथीन का उपयोग करते हुए पकड़ लिया गया। 5 किलो पॉलिथीन जब्त की गई और 1900 रूपये जुर्माना वसूला गया। हाजीपुर में बीती शाम में पेट्रोल पंप में लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में 4 लुटेरे 2 बाइक पर सवार होकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे। नोजल मैन को गन प्वाइंट पर लेकर उन्हें मारा पीटा, कैश रूम से ले जाकर 2 लाख रूपये लूटकर फरार हो गए। बांगा के कटोरिया जयपुर थाना क्षेत्र में दंपत्ति की हत्या के खुलासे के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस को दंपत्ति की हत्या की जानकारी मिली, हालांकि हत्या की वजह का पता अब तक नहीं चल सका। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नालंदा में 23 अगस्त की रात को बर्थडे पार्टी में शराब पार्टी और अश्लील डांस के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने मुखिया मीणा देवी के देवर अनिल कुमार के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई। मुखिया के सरकारी गार्ड पर भी कार्रवाई की गई।
राजधानी पटना में पुलिस ने आशिकी में पिस्टल लगाने के मामले में एक युवक को हिरासत में लिया। मामला कंकड़बाग थाना अंतर्गत लोहिया उद्यान का है, जहां पकड़े गए युवक ने अपनी प्रेमिका को किसी दूसरे युवक के साथ देखकर पिस्टल लहराने लगे। समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र में 11,000 बोल्ट की चपेट में आने से एक राहगीर की मौत हो गई। घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने शव के साथ NH-28 को जाम कर दिया। मृतक के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की गई। बांका जिले के बौंसी प्रखंड के पैर उत्पाद में विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में झारखंड निर्मित 200 ml पैक का देसी शराब जब्त कर लिया। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग ने मौके से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। जिले में DM SP के निर्देश पर शराब कारोबार को रोकने के लिए छापेमारी की जा रही है। मुंगेर जिले में तेज रफ्तार ने दो लोगों की जान ले ली। पहली घटना बरियारपुर थाना क्षेत्र के सरस्वती नगर की, जहां 35 साल के युवक की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। दूसरी घटना जुगाड़ गाड़ी से घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेलवे लाइन के पास से बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने हत्या कहीं और करने के बाद शव फेंके जाने की आशंका जताई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहरसा में चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा। सदर थाना क्षेत्र के मत्स्यगंधा स्थित प्रसिद्ध रक्त काली मंदिर परिसर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर मंदिर के ग्रिल का ताला तोड़कर दानपेटी लेकर भाग गए। शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र के कोरमा गांव में खेतों में पशु चराए जाने के विवाद में बदमाशों ने किसान को तेज धार हथियार से उस पर हमला कर दिया। बचाव में आए किसान की मां के साथ भी बदमाशों ने मारपीट की। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेगूसराय में एक बार फिर से बेकौफ अपराधियों ने 8 लाख की रंगदारी नहीं देने पर गल्ला कारोबारी के घर पर फायरिंग की। घटना लोहिया नगर ओपी के बागी शांति शाह चौकी गल्ला व्यवसायी कन्हैया साल से 2 महीने पहले फोन पर 8 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। मोतिहारी में एक बार फिर से बच्चा चोरी की अफवाह में एक शख्स की पिटाई का मामला सामने आया। भीड़ में बलुआ बाजार के पास रिक्शे से जा रहे एक शख्स को बच्चा चोर कहकर पकड़ लिया। देखते ही देखते मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जमकर उसकी पिटाई की गई। हाजीपुर में सराय बाजार के भीड़भाड़ वाले इलाके में आज सुबह बाइक सवार बदमाशों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। सुबह करीब 10:30 बजे बाइक सवार बदमाशों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 8 लाख रुपए लूट लिए। बागमती नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने से शिवहर की मोतिहारी से जोड़ने वाली कच्ची सड़क पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया। नाव के जरिए लोग अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब AC में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से पूरे डिपार्टमेंट में धुआं भर गया, अफरा तफरी मच गई। हेमंत सोरेन की बदलाव यात्रा पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि पहले हेमंत सोरेन ये बताए कि बरहेट में जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहां कौन सा बदलाव किया गया। बिहार में बेखौफ अपराधी अब महिलाओं पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग करने से नहीं चूकते। बीती रात अपराधियों ने पूर्णिया जिले के धमदाहा में ताबड़तोड़ गोली चलाकर एक महिला की हत्या कर दी। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना धमदाहा के नेहरू चौक की। बेगूसराय में बढ़ते अपराध के बीच पुलिस का एक अमानवीय चेहरा भी सामने आया। सड़क किनारे खड़े एक युवक की पुलिस वाले ने बिना वजह के बीच सड़क पर जमकर पिटाई की। पुलिस विदाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीवान थावे रेलखंड पर देर रात एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। बताया जा रहा है देर रात सीवान से थावे की तरफ जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पश्चिमी छोर स्थित आनंद नगर मोहल्ले के पास पटरी से उतर गए, जिसके बाद ट्रेन रुक गई। इसके चलते यात्रियों को खासी दिक्कतें हुई। बक्सर में जेल के अंदर उच्च सुरक्षा कक्ष से एक मोबाइल मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक जेल प्रशासन कारा में तलाशी अभियान चला रहा था और इसी दौरान संदेह होने पर पुलिस ने उच्च सुरक्षा कक्ष की तलाशी ली। उच्च कक्ष की नाली से पुलिस को एक फोन मिला। सुपौल में 2008 में कुसा त्रासदी में बाढ़ राहत घोटाला मामले में 11 साल बाद पीड़ितों को न्याय मिलने की आस जगी है। निगरानी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत छातापुर के तत्कालीन CO और राजस्व सेवा के CO को दोषी मानते हुए चार्जशीट दाखिल की। सुशील मोदी के ट्वीट पर सियासत तेज हो गई। विपक्ष ने सुशील मोदी पर निशाना साधा। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि मुसलमानों को खुश करने के लिए विपक्ष PM मोदी की निंदा करता है। हाजीपुर में आटा व्यवसायी आकाश कुमार को गोली मारने के विरोध में गुस्साए व्यवसायियों ने हाजीपुर के गुदरी बाजार को बंद करा दिया। व्यवसायियों ने अपराधी की गिरफ्तारी सुरक्षा की मांग की। शुक्रवार शाम आटा व्यवसायी को दुकान में घुसकर गोली मार दी गई। सीवान के पाचोगी थाना क्षेत्र के जसवाली शेखपट्टी गांव में बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने युवक को धर दबोचा, पुलिस के हवाले किया। बताया जा रहा है कि पाचोगी थाना क्षेत्र के जसवाली गांव में शिक्षक के पुत्र मोहम्मद फरीद को मदारी दिखाने के बहाने फुसलाकर अपने साथ ले जाने लगा। जब ग्रामीणों को शक हुआ तो उसे दबोच लिया।
मधेपुरा में किसानों की समस्या को लेकर भाकपा कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय गेट पर प्रदर्शन किया। बिहार राज्य किसान सभा के बैनर तले आक्रोशित भाकपा कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय गेट को घंटों जाम किया। जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहानाबाद से कोचिंग कर लौट रहे छात्र और बस कर्मियों के बीच झड़प के बाद छात्र ने एनएच 110 को जाम कर घंटों हंगामा मचाया। विवाद सीट पर बैठने को लेकर हुआ था, जिसके बाद बस कर्मियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जमकर मारपिटाई की, जिसमें कई छात्र घायल हुए। भागलपुर नगर निगम की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। नगर निगम एवं सुल्तानगंज नगर परिषद के कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्यालय परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का यह कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती, हड़ताल जारी रहेगी। अखिल भारतीय धोबी संघ की राष्ट्रीय काउंसिल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम रजक पहुंचे। दो दिवसीय मीटिंग का आयोजन किया गया। सरोजा पंचायत के मुखिया पति राजकुमार शर्मा की हत्या के विरोध में गुस्साए लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों ने बलवाहट चौक को जाम कर दिया। लोगों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के सोटगांव पंचायत के मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने बारिश के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी। दरअसल जिले में बारिश नहीं होने से किसानों की खरीफ की फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे किसान परेशान हैं। नशा मुक्त बिहार कार्यक्रम के तहत मुंगेर के कौशलपुर गांव में डीएसपी ने सैकड़ों ग्रामीण और महिलाओं को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया। इस मौके पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नशा मुक्त अभियान को सफल बनाने की बात कही। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत औरंगाबाद के आईटीडीआर कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम में डीएम राहुल रंजन महिवाल, एसपी दीपक बरनवाल ने भी हिस्सा लिया, वृक्षारोपण किया। इस मौके पर डीएम ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। जहानाबाद सदर अस्पताल में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब अस्पताल में भर्ती मरीज की पटना के पीएमसीएच में ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद परिजन अस्पताल पहुंचे, लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर तोड़फोड़ की। मधुबनी जिले के रईका थाना क्षेत्र धनुकी गांव में पिकअप वैन की चपेट में आने से 10 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्ची सड़क पार कर रही थी। मौके पर मौजूद लोगों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर किया। मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने विधानसभा क्षेत्र जमशेदपुर पूर्वी में लगातार दूसरे दिन भी मंडल स्तर की बैठक में चुनावी रणनीति बनाते रहे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले वर्मा माइंस मंडल के लक्ष्मीनगर में मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी चर्चा की। सीएम ने घर घर रघुवर नारे के साथ केंद्र और राज्य की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया। दरअसल बीजेपी 65+ लक्ष्य के साथ बीजेपी विधानसभा चुनाव को साधने में जुटी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर में कहा कि इसरो की टीम की मेहनत और उपलब्धियों पर पूरे देश को गर्व है। मिशन चंद्रयान का सफर बेहद प्रेरणादायी और बेमिसाल है। उन्होंने कहा कि उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में जेडीयू सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान कर रही है। इसके लिए पार्टी रणनीति बनाने में जुट गई। आज रांची में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार शिरकत करेंगे। पाकुड़ जिले में बदलाव यात्रा के बाद भगदड़ की स्थिति बन गई। लगातार जेएमएम में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता, समर्थक जेएमएम से इस्तीफा दे रहे हैं। नगर कमेटी के सामूहिक इस्तीफे के बाद जेएमएम के पूर्व सांसद प्रतिनिधि अधरनंद शेखर गांगुली ने इस्तीफा दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रांची के दौरे पर हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में जेडीयू सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान कर रही है। इसके लिए पार्टी रणनीति बनाने में जुट गई। पाकुड़ जिले के महेशपुर विधानसभा क्षेत्र से झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। 8 सितंबर को मिस्त्री सोरेन अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में देवघर में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने के मकसद से पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता रविंद्र राय देवघर पहुंचे। इस मौके पर रविंद्र राय ने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाया, उन्हें विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर रांची पहुंचे, पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का जमकर स्वागत किया। घाटशिला के बहरा गोड़ा में 85 साल की महिला का शव मिला। महिला का शव पेड़ से झूलता हुआ मिला, इससे गांव से में लोग सहमे हुए हैं। घटना बहरा गोड़ा थाना क्षेत्र के मौदा पंचायत के चौरंगी गांव की। चक्रधरपुर में रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर निजी स्कूल में लूट मची हुई है। स्कूल हाल ही में शुरू हुआ था। स्कूल प्रबंधन मैट्रिक परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के नाम पर हर एक विद्यार्थी से 15,000 रुपए वसूल रहा है। कोडरमा में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन कोडरमा पुलिस संयुक्त रूप से कई अभियान चला रही है। देवघर में अवैध महुआ शराब बनाने और बेचने संलिप्त मदन चौधरी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग की छापेमारी में देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के कोठिया से गिरफ्तारी की गई। गढ़वा जिले के नगर उमटारी थाना क्षेत्र के चेचरिया गांव में झोला छाप, डॉक्टर के गलत इलाज से 26 साल की एक महिला की मौत हो गई। महिला हाथ में हुए इंजेक्शन को दिखाने गांव के झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंची।
गढ़वा में स्किल इंडिया में रोजगार देने के नाम पर करीब 400 युवाओं से 10 से करीब 50 लाख की ठगी कर दी गई। इसके लिए सहेजना मोहल्ले में एक अपार्टमेंट में स्किल इंडिया के नाम पर कार्यालय खोल दिया गया जिसमें नौकरी देने की बात कही गई। गढ़वा पुलिस ने महिलाओं से ठगी करने वाली एक छत्तीसगढ़ की महिला ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला नक्सली सोने को असली सोना कहकर महिला को बेच देती थी। पुलिस से शिकायत मिलने के बाद महिला को हिरासत में लिया। स्वास्थ्य विभाग के स्टेट नोडल कालाजार सह एडिशनल डायरेक्टर बी मरांडी ने पाकुड़ जिले के सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी ने जिले में बढ़ रहे कालाजार से बचने समाप्त करने की मुहिम की जानकारी दी। संथाल परगना के चार जिले में कालाजार को समाप्त करने की मुहिम जारी थी। तो वहीं सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड में पंचायत समितियों के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी ब्लॉक समूह की प्रमुख की अध्यक्षता बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रत्येक पंचायत में योजनाएं ठीक से चल रही है इसकी जानकारी दी। हजारीबाग में मोहर्रम गणेश पूजा कर्मा पर्व को शांति सद्भावना सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक को उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश्वर प्रताप सिंह ने संबोधित किया। आज फिर इसरो पहुंचे पीएम मोदी ने चंद्रयान 2 से जुड़े वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। वैज्ञानिकों से हाथ मिला। इस दौरान इसरो चेयरमैन के सिवन की आंखों से आंसू निकल पड़े और इसरो चीफ को पीएम मोदी ने बी पॉजिटिव कहा। बेंगलुरु में वैज्ञानिकों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम चंद्रमा पर पहुंचने के मिशन से हम डिगे नहीं है, नई जगहों पर जाना है, नई चुनौतियों का सामना करना है। पीएम मोदी ने कहा विज्ञान में विफलता नहीं होती, सिर्फ प्रयोग और प्रयास होते हैं। इसरो हमारी हार नहीं मानने वाली संस्कृति का मजबूत उदाहरण है। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति अब और ज्यादा दृढ़ हो गई है। आप जो लोग हैं जो मां भारती की जय के लिए जीते हैं, हमेशा देश का गर्व हमें मौका देता है। वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने भी कहा कि आपका हर प्रयोग हर प्रयास ज्ञान की नींव रखता है। आपने ही मंगल ग्रह पर भारत का झंडा फहराया था। चंद्रमा पर पानी की खोज इसरो के वैज्ञानिकों ने ही की थी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इसरो ने जो कर दिखाया वो हिम्मत दुनिया में किसी की नहीं है। पीएम ने कहा कि इसरो ने देश विज्ञान मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा की और आप ऐसे ही करते रहेंगे। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से चंद्रमा की सतह से महज 2 किलोमीटर पहले इसरो का संपर्क टूट गया, यानी 69 सेकंड पहले लैंडर विक्रम का पृथ्वी से संपर्क टूट गया। इसरो चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने बताया कि लैंडर विक्रम की लैंडिंग प्रक्रिया एकदम ठीक थी। जब यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर था तब उसका धरती से संपर्क टूट गया। इसरो हेडक्वार्टर में जब वैज्ञानिकों के चेहरे पर मायूसी छाने लगी तो पीएम मोदी डॉक्टर के सिवन का हौसला अफजाही करते हुए दिखाई दिए। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों से कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जिस ऑर्बिटर से लैंडर विक्रम अलग हुआ था वो अभी भी चंद्रमा की सतह से 119 किलोमीटर से 127 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम रहा है। 2359 किलो वजनी ऑर्बिटर के साथ 8 पेलोड है और ये 1 साल काम करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चंद्रयान 2 मिशन की टीम को संबल देते हुए ट्वीट किया। इसरो की पूरी टीम ने अनुकरणीय प्रतिबद्धता और साहस दिखाया। देश को इसरो पर गर्व है। गृहमंत्री अमित शाह ने चंद्रयान 2 को बड़ी उपलब्धि बताते हुए भविष्य के लिए वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने कहा देश को इस मिशन पर गर्व है। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने इसरो टीम के नाम संदेश जारी करते हुए ट्वीट किया कि इसरो के जोरदार प्रयासों पर देश को बहुत गर्व है, हर भारतीय आपकी भावनाओं को महसूस कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिवंगत पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के जरिए वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। हर्षवर्धन ने ट्वीट कर लिखा हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। पीएम मोदी के हौसला अफजाई पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इससे वैज्ञानिकों का जज्बा और बढ़ेगा और आखिरी पड़ाव के रास्ते साफ होंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इसरो वैज्ञानिकों की तारीफ की। मायावती ने कहा कि आगे बढ़ते रहने के लिए जरूरी है कि निराशा हताशा और दुखी होने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने आज मुंबई में कई मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने 19,000 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले 3 मेट्रो कॉरिडोर की आधारशिला रखी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। अजीत डोभाल ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंक के जरिए हिंसा फैलाना चाहता है, ज्यादातर कश्मीर धारा हटने के पक्ष में थे। पाकिस्तान में एक और लड़की का जबरन धर्मांतरण कराया गया। इस बार 15 साल की एक ईसाई लड़की को जबरन मुसलमान बनाया गया। घटना लाहौर से 50 किलोमीटर दूर शेखपुरा शहर की। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीमा पार से फायरिंग की गई। कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एलओसी पर दौरा किया। इमरान खान ने एलओसी पर तैनात सैन्य अफसर सैनिकों से मुलाकात की।
जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने एक बार फिर से काराना हरकत को अंजाम दिया। आतंकियों ने दो लोगों पर फायरिंग की जिसमें घर का नौकर एक बच्ची घायल हो गई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारत की महिला टी20 टीम में 15 साल की शेफाली वर्मा को शामिल किया गया। शेफाली को मिताली राज की जगह चुना गया। 6 बार की चैंपियन सेरेना विलियम ने यूएस ओपन के फाइनल में अब जगह बना ली है। पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 सेरेना ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की एलिना को 6-3 6-1 से मात दी। बॉलीवुड गलियारों में गणपति की धूम। एक्टर विवेक ओबरॉय ने 5 दिन के बप्पा को विदाई दी। इस मौके पर परिवार में विवेक के माता पिता बच्चे पत्नी के साथ वो नजर आए। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल कई बार स्टंट्स वाले वीडियो शेयर कर चुके हैं। इस बार एक्टर विद्युत जामवाल ने भरे सिलेंडर से स्टंट करते हुए एक वीडियो शेयर किया। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत श्रद्धा कपूर की फिल्म छिछोरे ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की। फिल्म छिछोरे ने पहले दिन 8 से 9 करोड़ के बीच की कमाई की। दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म साहू का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है। प्रभास और श्रद्धा कपूर की फिल्म साहू के हिंदी वर्जन ने अपने दूसरे हफ्ते की शुरुआत भी शानदार ढंग से की। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान साइकिल से शूटिंग करने निकले। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। और इसी के साथ 100 शहर 100 खबर में इतना ही। तमाम खबरों का रुख कर लेते हैं। आप रेलवे स्टेशन